खबर रीवा से है, जहां जिले में इन दिनों जमकर नशीली कफ सिरप और गांजे की बिक्री की जा रही है। विगत कई माह से पुलिस के द्वारा अवैध नशीली कफ सिरप और गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार बढ़ रहे अपराधों की वजह भी मेडिकल नशे के साथ साथ गांजा माना जाता है, और यही कारण है कि अब ग्रामीण स्वयं गांजा बेचने वालों की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। विगत दिनों सगरा थाना क्षेत्र में एक महिला के द्वारा नशीली कफ सिरप बेचने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की आंख खुली और कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद की थी। वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि चोराटा थाना क्षेत्र के नवस्था चौकी का बताया जाता है। हालांकि चोराटा थाना क्षेत्र की बात सुनते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल उठते हैं, और कोई भी कार्रवाई करने में 100 बार सोचना पड़ता है। उक्त वीडियो नवस्था पुलिस चौकी क्षेत्र में गांजा एवं नशीली कप सिरप बेचे जाने का बताया जा रहा है। ये भी आरोप सामने आ रहा है कि नवस्था पुलिस के संरक्षण में इस तरह का काला कारोबार खुलेआम किया जा रहा है। हालांकि ऐसी घटनाएं सामने आने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्देश देते हैं। अब देखना यह है कि चोराटा थाना क्षेत्र में ही गांजे की खेती की जा रही थी, जिसकी सूचना भी पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वहीं अब गांजा और कोरेक्स बेचने वालों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है या फिर पुलिस हाथ में हाथ रखकर बैठी रहती है।